आपके साथ VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग का कोड कंसेप्ट। जैसे कि हमने कल की क्लास में पूजा जी समझाया था कि VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम जब भी कोई कोड स्टार्ट करते हैं तो इन चार से करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन, वर्क, वर्कबुक्स, शीट्स एंड रेंज। शीट्स एंड रेंज तो मेनली हमारे चार जो है मेन हमारा होता है। तो हम एप्लीकेशन को बाद में पढ़ेंगे, हम वर्कबुक, शीट और रेंज को स्टार्ट करते हैं एक एक दिन। एक दिन वर्कबुक पढ़ेंगे, शीट पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, इस तरह से वन बाय वन। तो हम पढ़ेंगे वर्कबुक्स के बारे में। तो वर्कबुक से क्या क्या किया जा सकता है, वर्कबुक पे क्या क्या किया जा सकता है, जैसे आप शुरुआत में आपने सीखा था एक्सेल सीखा था, उस समय आपने सीखा था बेसिक चीज़ें, वो चीज़ें हम कोड के जरिए बता रहे हैं। जैसे आपको एक नया वर्कबुक ऐड करना हो तो हम लिखेंगे वर्कबुक्स डॉट ऐड, ये आपको नया वर्कबुक ऐड हो जाएगा। ओके। अब जैसे फाइल को सेव करने का कोड मैंने आपको समझाया था कि फाइल को सेव करने का कोड होता है वर्क बुक्स, और यहाँ पे बुक का नेम की यहाँ पे बुक वन डॉट एक्सलेस एक्स या जो भी एक्सटेंशन हो डॉट सेव एज, और यहाँ पे पाथ की डी ड्राइव में जाएगा 2012 फोल्डर 123 डॉट एक्सलेस एक्स। लेकिन आपको ये कोड जैसे आपको इसके नियम के हिसाब से नहीं, इसके सीक्वेंस के हिसाब से भी डालना होता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि वर्कबुक ऐड किया और उसको सेव करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम है कि वर्कबुक ऐड होगा तो गारंटी को बुक वन ही होगा, बुक टू भी हो सकता है, बुक थ्री भी हो सकता है। तो उस केस में हम एक चीज़ को जानना, सिचुएशन जानना होगा कि जब भी हम कोई नया फाइल क्रिएट करते हैं, जो फाइल क्रिएट करते हैं वही एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो यहाँ डालना होगा एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज, बाकी जो चीज़ें हैं उस जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा। तो कोड आपको नियम के हिसाब से नहीं, सिचुएशन के हिसाब से भी डालना होगा कि आपकी कोड का क्या सिचुएशन है। करें तो ये जो पाथ है ये भी तो चेंज हो सकता है ना, ये हाँ सेम ये भी चेंज हो सकता है, ये जहां हमने सेव करनी हो वहां पाथ दे सकते हैं। जी जी, पाथ एक्सटेंशन दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमें पता ही है कि हमें 123 नाम का बुक ही चाहिए। एक तो हुआ कि आपने ऐड किया, उसके बाद उसको आपने सेव किया। अब सेव करने के बीच में कुछ और चीजें भी डाल सकते हो, जैसे कि सीट ऐड करना, सीट को रिनेम करना, ये चीजें भी डाल सकते हो। लेकिन मुझे कंफर्म है कि मुझे सीट जो ऐड करना है 123 नाम से ऐड करके सेव करना ही है, तो हम डायरेक्ट यहीं पे हम सेव का कोड दे सकते हैं, सेव, ठीक है। अब पाथ, तो आप जब भी नया फाइल ऐड करेंगे तो ध्यान रखिए कि ऐड करने के बाद क्या उसको सेव भी करना है, और सेव तुरंत करना है या बाद में करना है। तो अगर बाद में करना है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि इसके बीच में और भी चीज़ें करना है, क्योंकि मान लीजिए नेम डिसाइड नहीं है, इसमें जो डेटा पेस्ट होगा कॉपी होगा उसके हिसाब से हम नेम डिसाइड करेंगे। तो उस केस में हम एक्टिव सीट का यूज करेंगे, लेकिन मुझे कंफर्म है कि मुझे इस नाम का शीट चाहिए, इस नाम का फाइल चाहिए, तो हम इस कोड को फॉलो करेंगे, राइट। क्लियर है, कुछ डाउट इसमें?
तो इसमें हमारा एक हो गया फर्स्ट वर्कबुक डॉट ऐड, हमने एक वर्कबुक ऐड करी, उसको ठीक है, आपने उसके सेव बाद किया। सेव किया। सेव करने के मैंने आपको दो तरीके बताए सेव एज करने के, कि आप एक्टिव वर्कबुक ले लें या फिर किसी फाइल ले लें। एक्टिव वर्क को मतलब जो फाइल एक्टिवेट है जो सामने दिख रही है वो, और एक कोई पर्टिकुलर फाइल, इसके लिए आपको फाइल का नेम और एक्सटेंशन पता होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। और उसके बाद ये लास्ट है उसके अपने बाद अगर वर्कबुक। आपको आपको जो है ऐड करके सेव एज करना है तो आप डायरेक्ट आप ऐड करते हुए सेव एज कर लें ओके, तो एक ही लाइन में एक ही लाइन। तो करें। सिर्फ ओके आपको ऐड करना आ गया। अब मान लीजिए सेव ओके करना है तो हमने यहाँ पे सेव एज दिखाया। सेव एज तो आपको डिफरेंट नाम होता है, जैसे सेव कंट्रोल एज, मैंने कुछ टाइप किया कुछ काम किया उसको सेव कर देना है। तो अगर वो फाइल एक्टिव है तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव कर दीजिए, अगर फाइल एक्टिव नहीं है आपको उस फाइल का नाम पता है तो यहाँ पे दीजिए। देखिए हम एक्टिव वर्कबुक या इस इन दोनों में से किसी एक मेथड को यूज करते हैं कोई भी काम करने के लिए, करें। क्यों? अब ए कभी यूज करेंगे तो एक्टिव होगा, ए जब की यूज करेंगे तो वर्कबुक होगा, जब आपका पता वाला। तो सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों में से कोई कोड एक इस्तेमाल करना है आपको। तो हमने फाइल को सेव कर लिया। अब बात होती है फाइल को ओपन करने की, तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे एक चीज है, सपोज हमने एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव किया, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमने पाथ नहीं दिया, तो हम जो सेव कर हमें रहे हैं दो। ना, पाथ कब दिया जाता है? जो फर्स्ट टाइम फाइल सेव होता है ना। हाँ, तो हमें ये दोनों लिखने पड़ेंगे, सपोज फर्स्ट टाइम फाइल सेव नहीं कर नहीं रहे नहीं नहीं हैं। समझे, आप नहीं समझे। आपको एक फाइल क्रिएट करनी है देन हम सेव एज इस्तेमाल करेंगे। करें। आपने एक पुरानी फाइल को लिया और उसके अंदर आपने कुछ डेटा लगाया, तो करें। तो इस एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव या या वर्कबुक का नाम डॉट हाँ सेव। डॉट सेव, ठीक ओके है। ओके जैसे अभी देखिए ना, हमने एक फाइल ओपन किया, राइट? तो ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको पाथ देना होगा, जो पाथ करें। आपका है तो हमने ओपन करने के लिए पाथ दे दिया। अब इसके अंदर में हम कुछ डेटा वेटा करेंगे तो लास्ट में फाइल को सेव करना होगा ना। तो अगर फाइल एक्टिव है तो हम यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक सेव कर देंगे, फाइल एक्टिव नहीं है तो हम इसको लेंगे और इस बुक वन की जगह पे हम 1 2 3 करेंगे। समझे? क्लियर है? वन क्योंकि टू थ्री और डॉट ये एक्सएल हम है, तो इसको फाइल क्या का, हम तो ओपन हाँ किए ना अभी फाइल को, इसको जो फाइल का नाम होगा वही देते हैं। हम देंगे, करेक्ट। ठीक है। तो फाइल ओपन करना आ गया आपको, किससे फाइल ओपन होता है? अब फाइल ओपन होगी तो क्लोज भी होगा। बिल्कुल। तो क्लोज अगर फाइल एक्टिव है, एक्टिव वर्कबुक है, तो क्या करेंगे? एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। अब क्लोज में हमेशा ट्रू या फॉल्स लगता है। अब ऐसा क्यों? जैसे कि ये फाइल है, आपने कुछ किया और आप इसको क्लोज कर रहे हैं, तो आपने इस फाइल को सेव तो किया नहीं, तो आपको पॉपअप पूछता है कि डू वांट टू सेव, डोंट सेव, हमेशा पूछता है। तो अगर आप ऐसे तक मान लीजिए कि बिना सेव की फाइल को क्लोज का कोड डाल दिया, अगर आपने ऊपर सेव का कोड डाला हुआ है तो ठीक है, अगर आपने सेव का कोड नहीं डाला, डायरेक्ट क्लोज कर रहे हैं अब, तो क्या होगा? फाइल पूछेगा। तो अगर आपने ट्रू कर दिया तो सेव करते हुए क्लोज करेगा, अगर आपने फॉल्स कर दिया तो अनसेव करते हुए क्लोज करेगा, करेक्ट। ठीक है? क्लियर है कोई डाउट इसमें? क्लियर। अब तो हमें इसमें एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज ट्रू इक्वल नहीं लगाना बीच में। नहीं खोल, अभी देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हम कोड ऐसे लिख रहे हैं ना, ये सारे कोड एक साथ तो हम आपका कोड यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोई प्रोजेक्ट करेंगे कोई एग्जांपल करेंगे तो हम कोड जो है वर्क रिलेटेड होगा, हर कोड दूसरे कोड से रिलेट करेगा, बट यहाँ पे दोनों दोनों दो, कोड का किसी से रिलेशन नहीं है। समझ गए? करेक्ट। अब यहाँ पे हमें अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, पेस्ट डॉट क्लोज एंड ट्रू, ट्रू या फॉल्स जो भी। तो हमने फाइल क्रिएट करना सीखा, फाइल को सेव सेव एज करना सीखा, फाइल को ओपन करना सीखा एंड फाइल को क्लोज करना सीखा। करेक्ट। अब बात आती है एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना, ये इंपॉर्टेंट है।
जी हमेशा यूज होने वाली चीज़। जैसे मान लीजिए कि आपने एक आपके पास ऑलरेडी फाइल बुक वन है, आपने बुक टू को ओपन किया, बुक टू के सीट वन पे गए, वहाँ से डेटा कॉपी किया, वापस बुक वन पे आए और उसके सीट पे जाके पेस्ट कर दिया, तो वापस बुक वन पे आना होगा जो कि हम लोग अल टैब से जाते हैं आते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे होता है फॉर्मूला, तो रिकॉर्ड होता है वर्क बुक्स, और यहाँ पे जिस फाइल पे जाना है उस फाइल का नाम कि बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट एक्टिवेट, या फिर विंडो यहाँ पे आप सीक्वेंस नंबर भी दे सकते हैं डॉट एक्टिवेट। अरे विंडो वाली पार्ट कहाँ है, ये जो आपका व्यू मेनू बार के अंदर स्विच विंडो होता है ना, ये होता है आपका स्विच विंडो, ठीक है ओके। तो विंडो वन डॉट एक्टिवेट क्लियर है ओके। अब इसमें हमने वर्कबुक्स फाइल का नाम दिया और डॉट एक्टिवेट। अब इसमें विंडो जैसे आपको फाइल का नाम नहीं पता लेकिन दूसरा फाइल है, तीसरा फाइल है, ऐसे कुछ सीक्वेंस में है आपका, इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ भी जो है आप जो है यहाँ भी सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं, थ्री समझे, सीक्वेंस नंबर ऊपर भी दे सकते हैं नीचे भी दे सकते हैं, पर सीक्वेंस नंबर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फाइल किस सीक्वेंस में है, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग नाम देते हैं। तो ऊपर वाले कोड जो वर्कबुक वाले कोड है उसमें नाम अगर देते हैं तो एक्सटेंशन देना पड़ेगा, पर नीचे वाले कोड में नाम के साथ एक्सटेंशन भी दे सकते हैं और बगैर एक्सटेंशन भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ओके। तो हम दोनों तरह से जा सकते हैं, वर्कबुक्स में भी नाम देके एक्टिवेट, विंडोज में भी नाम देके डॉट एक्टिव, समझ गए। करेक्ट, तो फाइल को हम एक्टिवेट करना सीख लिए। अब बारी आती है फाइल के अंदर पासवर्ड डालने, जैसे हम यहाँ पे अब एक्टिव विंडो और विंडो वर्क एक्टिव वर्कबुक और वर्कबुक्स में समझ में आ गया आपको, तो आप अपने हिसाब से उसका यूज कर सकते हैं ना। तो एक्टिव वर्कबुक डॉट हमने बोला प्रोटेक्ट और यहाँ पे पासवर्ड आ गया, तो ये कौन सा पासवर्ड कौन सा प्रोटेक्शन कर रहा है, ये आपके रिव्यू के अंदर में जो प्रोटेक्ट शीट है इसको फॉलो कर रहा है, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक प्रोटेक्ट। लेकिन आपको ओपनिंग पासवर्ड चाहिए तो यहाँ पे होता है एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड एंड इक्वल टू पासवर्ड। तो ये क्या करेगा, ये फाइल मेनू बार के अंदर जाएगा, इन्फो में जाएगा और प्रोटेक्ट वर्क बुक में एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, मतलब कि ओपनिंग फाइल का पासवर्ड डाल देगा। अब यहाँ कोड में एक चीज़ और देखे होंगे कि इस सबसे लास्ट वाली लाइन के अलावा ऊपर कहीं भी हमने इक्वल का यूज नहीं किया, बट यहाँ इक्वल का यूज किया क्यों, देखिए हमने आपको कल समझाया था कि ये ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा मेंबर होता है, तो मेंबर दो तरह के होते हैं, इवेंट मेंबर दो तरह के होता है, मेथड एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो जो मेथड होता है जैसे प्रोटेक्ट आपका मेथड है, कैसे पता चलेगा मेथड है, जैसे स्पेस मारेंगे नीचे एक्सप्रेशन आ गया, इट मींस ये मेथड है, इसमें स्पेस लगेगा इक्वल नहीं लगेगा, बट इसमें स्पेस मारा तो कुछ नहीं आया मतलब इक्वल लगेगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं, कभी भी गलत भी हो जाता है। लेकिन अगला जो ऑप्शन है वो सबसे परफेक्ट है, जैसे कि आपने प्रोटेक्ट लिखा तो यह देख रहे ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है ट्रायंगल, इसका मतलब है कि ये मेथड है, इसमें स्पेस लगेगा, और जैसे ये हैंड का निशान आ रहा है ना, हैंड बना हुआ, तो कि ये होता है प्रॉपर्टी का सिंबल होता है, इसका मतलब प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी पे हमेशा इक्वल लगेगा, इक्वल लगेगा ओके, ठीक है ठीक है। मेथड्स में स्पेस, प्रॉपर्टीज में इक्वल। दूसरी बात होती है कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं दो तरह के होते हैं, एक इंफॉर्मेशन लेते हैं दूसरा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि वर्कबुक जो है इंफॉर्मेशन ले रहा है, समझ गए। जैसे मान लीजिए मुझे इस एक्टिव फाइल का नाम नहीं पता है, मुझे नाम चाहिए, हेलो
सुजीत बोल रहे हैं, किए तो उठाया नहीं, क्या हुआ अभी, क्या कर रहा है? अब यहाँ पे बात आती है, जैसे कि मुझे फाइल एक्टिव, इस फाइल का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्टिव वर्क बुक्स बुक डॉट नेम। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी एक कोड गलत होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिला नेम एक किसी को देगा, किसको देगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, कि क्योंकि जब भी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं उसमें इक्वल का यूज तो होता ही होता है, तो इसमें क्या होता है, एक रिसीवर होता है एक गिवर होता है, तो ये जो है ये रिसीवर नहीं है, गिवर है, तो रिसीवर चाहिए इसका, मतलब इसको स्टोरेज पॉइंट चाहिए, तो हमने लिख दिया आर इक्वल टू। अब एक्टिव वर्कबुक का जो नेम है वो आर पे स्टोर हो जाएगा। अब आर क्या है, देखिए वीवी प्रोग्रामिंग में हम इस तरह के एक्स वाई जेड आर इस तरह के नेम लेते रहते हैं, आगे से इसको डिफाइन करके लेंगे, ये अनडिफाइंड है, इसको कहलाता है वेरिएबल्स, या इसको हम कह सकते हैं कि टेम्परली सेविंग लोकेशन, टेम्परली सेविंग लोकेशन, ठीक है। ये क्या है कि जो टेम्परली जो है इस सेविंग का देता है कि हाँ, मतलब कि मेमोरी ये सिस्टम के अंदर में आर नाम का एक ले लिया और सेव कर दिया। अगर इसकी कंपेयरिंग करें तो आपका जो मैथमेटिक्स हम लोग बनाते थे, एक्स वाई जेड लेते थे ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ले लेते थे ना, सपोज x इक्वल टू 100 और जहाँ मुझे 100 की जरूरत थी वहाँ पे x इस्तेमाल करते हैं, तो वही सपोज r एक वेरिएबल है और सब r के ऊपर हमारा नेम स्टोर हो गया। अब मुझे इस फाइल का नेम जहाँ जहाँ भी चाहिए वहाँ वहाँ हम r का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए msgbox r, अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, लेकिन इससे ऊपर सारे बहुत सारे कोड है, रन नहीं होगा, मैं इसके लिए एफर्ट इसको हटाना पड़ेगा, मैं एफर्ट इस्तेमाल करता हूँ। एफर्ट मतलब कि यहाँ डीबग के अंदर स्टेप इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि आप जिस लाइन को चाहो उस लाइन को रन करवा सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, देखिए बुक वन आ रहा है, तो उस फाइल का नेम यहाँ पे ला के दे दीजिए। ओके, तो हमें किसी भी मतलब जो वर्कबुक एक्टिव है उसका नाम लाना है। हाँ, तो उसका नेम लेना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम। यहाँ पे मैं करता हूँ फुल नेम, तो पूरा नाम आएगा विथ एक्सटेंशन, नहीं पूरा विथ पाथ, माफ कीजिएगा, मुझे पाथ चाहिए कहाँ से है, तो पाथ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे आपके जो एक्टिव वर्कबुक में देखेंगे तो बहुत सारे जो है ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज है इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसलिए मैंने बट ये हम नॉर्मली जैसे सपोज जब हम कोई कोडिंग्स लिख रहे हैं कुछ कर रहे हैं तब तो इनका यूज मेनली एक्टिव वर्कबुक का नाम देना वो करना उसका यूज कहाँ आएगा। जैसे मान लीजिए ना कि आपने एक फाइल, आपने क्या किया, एक फाइल ओपन किया, राइट। अब आपने जो फाइल ओपन किया वो आपने किसी और कोड से ओपन किया, जैसे डी आई फंक्शन से ओपन किया, आपको पता नहीं फाइल का नाम क्या है, तो आप क्या करेंगे उसका नाम, क्योंकि आगे चल के उस फाइल को सेव करना है, उस फाइल को सेव एज करना है या क्लोज करना है, उसका नाम चाहिए ना, तो हम एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम कर देंगे, तो उसका नाम जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, आर पे। अब मुझे अगर मान लीजिए वर्कबुक डॉट एक्टिवेट करना है, उस वर्कबुक पे जाना है, तो यहाँ पे वर्क बुक्स और इसके अंदर आर डॉट एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। आर इस केस में पाथ हो गया, आर फाइल नेम हो गया, फाइल नेम, ओके, नेम है ना यहाँ पे, फाइल नेम आ जाएगा। तो हमने फाइल नेम को आर नाम दिया, हाँ, हमने आर पे एक्टिव वर्कबुक का नेम आर पे स्टोर करवा दिया है, ओके, समझे। अब एक्टिव एक्टिव वर्कबुक का नेम आज से आर कहा जाएगा, ओके,
क्लियर है? क्लियर। तो अब जो है मैम क्या करें आप कि इसको वन बाय वन सारे कोड को एक एक माइक्रो में रन करके इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है? जब इसकी प्रैक्टिस आपकी आज हो जाएगी तो कल हम इस पर एक लाइव प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कुछ काम होगा, जिसमें कुछ रिलेटेड होगा, इस कोड को रन करके बताऊंगा, इससे एक बेनिफिट होगा। हाँ हाँ तभी ज़्यादा क्लियर। हाँ तो लेकिन उसके लिए आपको सारे कोड को प्रैक्टिस करना होगा। उसके अलावा जो मैंने कल भी बताया था ऑब्जेक्ट लिस्ट दिया था, उस ऑब्जेक्ट लिस्ट पे आप वर्कबुक के और भी मेंबर्स को पढ़िए और उसको जानने की कोशिश कीजिए। ये जो मेंबर, ये जो बताया मैंने आपको, ये मोस्ट यूजेज है और बेसिक है, इसलिए बताया आपको, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी रिसर्च करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो कल इसके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। अच्छा हेलो बोलिए। हाँ अच्छा।